हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। तो आज हम यहां पर दो नए फ़ोन और दो पुराने फ़ोन के साथ यहां पर एंटूटू टेस्ट करने वाले हैं। हमने कोई भी कैटेगरी में इस फ़ोन को नहीं डाला है और यहां पर सारे फ़ोन को मैंने रैम को क्लीन कर दिया है। सबसे पहला फ़ोन है रेडमी नोट 5 प्रो, दूसरा फ़ोन है रेडमी नोट 7 जो कि नया है, तीसरा फ़ोन है एमआई का A2 और चौथा फ़ोन है रेडमी नोट 7 प्रो। यहां पर हम देखेंगे कि इन चारों फ़ोन के एंटूटू टेस्ट में कितना का डिफरेंस होता है और कौन सा फ़ोन यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्कोर है वो कंप्लीट करता है। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है टेस्ट रेडमी नोट 5 प्रो, उसके साइड में आपको देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 7, उसके साइड में आपको देखने को मिल जाता है एमआई का A2 और उसके साइड में आपको देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 7 प्रो। तो आप देख सकते हैं कि जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको रेंडर करने में यहाँ पर आपको 675 का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे स्मूथनेस के साथ यहाँ पर रेंडर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे आप 660 जो कि 2.2 GHz पर बेस्ड है, यहाँ पर MI का A2 और Redmi का Note 7 दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्टीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लैग कर रहा है 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रोसेस करने में। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 636 का जो प्रोसेसर है Redmi Note 5 Pro में, उसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको लैग देखने को मिल जाता है 3D ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हम ये देखेंगे कि इन चारों फ़ोन के अंदर जो एंटूटू टेस्ट है वो कितना का डिफरेंस के साथ ख़त्म होता है और यहाँ पर कौन सा फ़ोन जो है वो सबसे पहले ये टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिस हिसाब से फ़ोन रखा हुआ मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर एंटूटू टेस्ट जो है वो स्टार्ट किया था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि इन चारों फ़ोन के साथ आपको क्या यहाँ पर स्कोर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंड फ़ोन है, थर्ड फ़ोन और फोर्थ फ़ोन है, इसमें यहाँ पर एक साथ 56 अभी यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो गया था 56% और यहाँ पर लीड ले लिया है Redmi का Note 7 Pro यानी कि 62% के साथ। सेकेंड फ़ोन यहाँ पर अभी यहाँ पर लीड में है और थर्ड फ़ोन जो लीड में है वो है Note 7, यानी कि रेगुलर यहाँ पर सबसे पहला जो लीड ले रहा था फ़ोन वो था Redmi Note 7 Pro और उसके बाद सेकेंड में था Redmi Note 7 और थर्ड में यहाँ पर MI का A2 था और फोर्थ में Redmi Note 5 Pro देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर MI A2 और Redmi Note 7 का तो दोनों का जो प्रोसेसर है वो आपको सेम देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 662.2 GHz का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 675 यानी कि Redmi Note 7 Pro बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और यहाँ पर इस मामले में वो बहुत जल्दी टास्क परफॉर्म कर जाता है। और यहाँ पर MI A2 थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड ये फ़ोन है लेकिन प्रोसेसर आपको मिलता जुलता Redmi Note 7 के साथ देखने को मिल जाता है। तो ये देखने वाली बात होती है कि दोनों का जो प्रोसेसर सेम है Redmi Note 7 और MI A2 का, इन दोनों में कितना का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लगभग 80% से ऊपर का टास्क कंप्लीट हो चुका है एंटूटू का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे आगे अभी भी Redmi Note 7 Pro है और पुराना डिवाइस हो चुका है Redmi Note 5 Pro तो थोड़ा सा पीछे चल रहा है और इसका स्टैंडर्ड स्कोर भी आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5000-6000 का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो 96-96 यहाँ पर दोनों फ़ोन ने कंप्लीट कर लिया है और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पर कंप्लीट किया सबसे पहले Redmi Note 7 ने 1,41,000 के साथ, सेकेंड था यहाँ पर Redmi Note 7 Pro 1,81,000 के साथ और थर्ड है यहाँ पर MI का A2 1,30,000 और फोर्थ नंबर पर है Redmi Note 5 Pro यहाँ पर 1,04,000 के साथ। तो यहाँ पर चौंका दिया है सबको Redmi Note 7 ने, यहाँ पर टास्क सबसे पहले कंप्लीट किया। इसकी वजह ये भी है कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेकेंड में Redmi Note 7 को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी फ़ोन को कैटेगरी के अंदर नहीं डाला था, ये एक रैंडम वीडियो था जिसमें मैं जस्ट जो भी फ़ोन है, जो भी नए फ़ोन है, जो भी पुराने फ़ोन है, रैम को मैंने क्लीन करके बस उसका स्कोर जानने का कोशिश किया और ये देखा कि कितना का डिफरेंस आपको यहाँ पर सारे हैंडसेट के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सभी डिवाइस के अंदर। उम्मीद है कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सिस्टम में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे देखते रहें हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।